और दुर्गा पूजा मेला में आए हैं, और ये अभी दुर्गा पूजा स्टार्ट ही हुई है, और ये आदित्यपुर का है पंडाल, जो काफ़ी आकर्षण है, आप देख सकते हो, भव्य पंडाल है, काफ़ी बड़ा पंडाल है, आप देख सकते हो, पूरा ये जो है थर्माकोल और चीना मिट्टी से पैरिस किया हुआ काम किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी गुंबज ऊपर से, ऊपर इधर भी है, और माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है आप देख सकते हो यहाँ रखी हुई है, ये शावर भी लगाया हुआ, थोड़ा छोटा सा झरना बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, और फील्ड वर्क भी बहुत अच्छा हुआ है, दर्शन आगे बढ़े ये लिखा हुआ है, मतलब दर्शन करके आगे बढ़े, मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर भीड़ भड़ाका हो जाए तो आप दर्शन कर करके आगे बढ़ते रहें, ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है, आप देख सकते हो, काफ़ी आकर्षण का केंद्र है, जमशेदपुर से बस 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, ठीक है, ये सरायकेला क्षेत्र पड़ता है, और ये हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर आप देख सकोगे पूजा पंडाल जो है, मतलब आकर्षण का केंद्र है, पूरा थर्माकोल का काम किया हुआ है, आप देख सकोगे, ठीक है, ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है, ठीक है, माँ दुर्गा की प्रतिमा है, और ठीक है, और ऊपर का आप सीन देख सकते हो, काफी आकर्षण है, ठीक है, और ये आउट गेट है, ठीक है, ये आउट गेट है, यहाँ से एंट्री हम लोग जहाँ से किए ये बाहर निकलने का रास्ता है, और हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर की ओर देखेंगे कि क्या क्या बना हुआ है, यहाँ भी एक प्रतिमा रखी हुई है माँ दुर्गा की, आकर्षण का केंद्र है, जमशेदपुर स्थित जगह में से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकोगे, ये गणपति महाराज है, और ये माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गे देवी है, सरस्वती माता है, और कार्तिकेय महाराज है, और ये आकर्षण का केंद्र है पंडाल, पूरा दुर्गा पूजा का पंडाल पूरा आकर्षण का केंद्र है, आप देख सकोगे, और इतना ही आकर्षण है कि आप बता रहे हैं, ये मतलब पूरे शहर भर में जमशेदपुर से आउट इलाके में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र है कि आपको हम क्या बताएं, पूरा शहर का भीड़ जो है यहीं जुटती है, और जुट कर माँ दुर्गा को देखने के लिए लोग आते हैं, और मन को संतुष्टि ये करते हैं कि हम लोग पूजा पंडाल में आए हैं, और संतुष्टि भर से लोग खुश होते हैं माँ दुर्गा को देखकर, और यहाँ पर ही ऊंचे प्रकार के लोग और मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं, और अच्छी तरीक़ा से माँ दुर्गा से सब सहमत होते हैं, पूजा करते हैं, और जो है मतलब क्या आपको बताएं, उन्हें खुशी का पात्र हो गया, ये खुशी का पात्र हो गया कि पूजा दुर्गा पूजा आने से ही लोग इतने खुश हो जाते हैं, शहर भर में सारे तकलीफ़ों को भूल कर पूजा पंडाल को देखने आते हैं, आप देख सकोगे ये पूजा पंडाल जो आप देख रहे हो ये शहर में सबसे बड़ा पूजा पंडाल है, जो आपका आदित्यपुर क्षेत्र जमशेदपुर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये पुंडा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र है, और हमेशा से रहा है आकर्षण का केंद्र, ये पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र हमेशा रहा है, काफ़ी भीड़ लगे रहती है, और हम लोग प्रेस के माध्यम से आप लोगों को ये जताना चाह रहे हैं कि आप लोग आए, पूरे परिवार को लेकर आए, बट पूरे परिवार को आप अपनी इच्छा से लेकर आए, और उसे सुरक्षित ढंग से प्रतिमा को देखें, पंडाल को देखें, अपने बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि पूजा में काफ़ी भीड़ रहेगी, पूजा में काफ़ी भीड़ रहेगी, और अपने बच्चों को अपने फैमिली को संभाल कर रखें, और पूजा में किसी तरह का गलत हरकत ना करें, परिवार को संभाल कर चलाएं, और आप देख सकते हो एंट्री गेट इधर से है और आउट गेट इधर से है, ठीक है, और
परिवार को सही सलामत आप लेकर आएँ, सही सलामत लेकर जाएँ और किसी तरह का उर्दंड हरकत ना करें कि प्रशासन के नज़र पर आए। और हम यही चाहेंगे कि पूजा आपका बहुत अच्छा जाए और हम आशा करेंगे इस साल आपका पूजा बहुत अच्छा जाए।